सुशांत केस पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले डीजीपी। जहां मैं जाता हूं ये सवाल हमसे पूछे जाते हैं, तो मैं ये कहता हूं क्या चुनाव लड़ना पाप है, आप भी लड़ लीजिए। अब देखिए सियासत के मुद्दे पर बड़ी बड़ी बातें बोलने वाले डीजीपी। आज सुशांत को अगर न्याय मिलने की उम्मीद बनी है, इस मुकाम तक लड़ाई पहुंची है, तो बिहार के मुख्यमंत्री के सपोर्ट के कारण। ये है पूर्व बिहार पुलिस के मुखिया के तेवर। बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है। अब गुप्तेश्वर पांडे खेलेंगे सियासी जंग। मैं सकारात्मक राजनीति करूंगा। किसी राजनेता के बारे में अगर राजनीति में आने का मौका मिला, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा। बिहार के पूर्व डीजीपी जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के केस में बड़ी बड़ी बातें की थी, हालांकि वह केस खत्म तो हुआ नहीं, लेकिन उससे पहले ही बिहार के डीजीपी ने एक नया रास्ता चुन लिया है, और यह रास्ता बिहार में क्राइम को दूर करने का नहीं बल्कि बिहार की सियासी गलियों का है। जी हां, बिहार के डीजीपी ने बिहार चुनाव से पहले वीआरएस ले लिया है और अब वह सियासी मैदान में उतरना चाहते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही गुप्तेश्वर पांडे ने सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन अब उनका एक नया अंदाज लोगों के सामने आने वाला है। गुप्तेश्वर पांडे ने समय से पहले ही वीआरएस ले लिया है, राज्यपाल ने उनकी ये अर्जी स्वीकार भी कर ली है, तो अब कयास लगाए जा रहे हैं कि वह सियासी बिसात पर शह और मात की चाल चलने वाले हैं। पहले आप सुनिए बिहार डीजीपी के ये बोल, जिसमें साफ झलकता है कि यह अब चुनाव लड़ने वाले हैं। देखिए, आज तक जो चल रहा है वो बिल्कुल अफवाह है, लेकिन जहां मैं जाता हूं ये सवाल हमसे पूछे जाते हैं, तो मैं ये कहता हूं क्या चुनाव लड़ना पाप है, आप भी लड़ लीजिए। गुप्तेश्वर पांडे जी, चुनाव की गलियों में कदम रखना कोई गलत नहीं है, लेकिन वीआरएस लेकर चुनावी गलियों में कदम रखना कितना सही है। खैर, इसके बाद गुप्तेश्वर पांडे ने सोशल मीडिया पर एक लाइव किया, और इस लाइव में उन्होंने क्या कहा आइए आपको सुनाते हैं। सेवा निवृत्ति ले चुका हूं कल, बस वही झोरा बोड़ा की औकात लेकर के मैं उन्हीं के दरवाजे जाऊंगा। आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, आप तय करिए कि मुझे अब क्या करना है। उनकी जरूरत होगी, उनको जरूरत होगी मेरी सेवा की, उनकी सेवा करूंगा, नहीं जरूरत होगी तो मैं और कुछ करूंगा। लेकिन इतना थ्रेटेंड आप लोग मत होइए हमसे, इतनी बेचैनी क्यों है, इतनी छटपटाहट क्यों है लोगों में, इतने घबराए हुए क्यों लोग हैं। मैं किसी का नुकसान करने वाला नहीं हूं, मैं सकारात्मक राजनीति करूंगा। किसी राजनेता के बारे में अगर राजनीति में आने का मौका मिला, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा जो उसकी मर्यादा को या उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए, ये मैं आपको वचन देता हूं। सैद्धांतिक विरोध मेरा किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी मैं नहीं करूंगा। एक मैं मानदंड ये मर्यादा मैं स्थापित करना चाहता हूं। आज देख रहा हूं राजनीति किस तरह से गाली गलौज और किस तरह की छिछले स्तर की बातें एक दूसरे के बारे में लोग नेता लोग करते हैं, मैं वो कभी नहीं करूंगा। मैं व्यक्तिगत उसके निजी जीवन के बारे में, उसके व्यक्तिगत दोषों के बारे में कोई भी सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं करूंगा, व्यक्तिगत कोई आक्रमण नहीं करूंगा। मैं केवल सैद्धांतिक विरोध कर सकता, सकारात्मक राजनीति और जनता की सेवा करूंगा। सेवा के अलावा कुछ नहीं, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना, और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। सब कुछ है मेरे पास, आपका दिया हुआ, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, कुछ नहीं। और जो नहीं जानते हैं सुन लें, बिहार के बाहर वाले और बिहार के अंदर भी जो भाई नहीं जानते हुए हैं, कैसे 14 साल की मेरा बाल विवाह हुआ था, जब शादी की मतलब मैं नहीं जानता था। मेरी शादी को 47 साल, 50 साल होने जा रहे हैं, 50 साल हो जाएंगे कुछ दिनों के बाद, 47 साल हो गए। 14 साल की उम्र में शादी हुई थी मेरी, पूरी पढ़ाई 14 साल में मैंने मैट्रिक नहीं पास किया था, 8वीं क्लास में मेरी शादी हुई थी, और पूरी पढ़ाई 8वीं से 9वीं 10वीं 11वीं पूरा जानी है मेरे बारे में, कुछ छुपाने को नहीं है।
मतलब गुप्तेश्वर पांडे जी ने ये साफ कर दिया है कि वह सकारात्मक राजनीति करने वाले हैं। किसी भी राजनेता के बारे में कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी ये नहीं करने वाले हैं। ये तेवर आपने पहले भी देखे होंगे, जब सुशांत सिंह राजपूत के केस में जिस तरीके से गुप्तेश्वर पांडे ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बातें कही थी, उस समय उन्हें सोशल मीडिया पर नेता कहकर ट्रॉल भी किया गया था। हालांकि उस समय गुप्तेश्वर पांडे ने खूब सुर्खियां बटोरी थी, जिसका नतीजा है कि आज गुप्तेश्वर पांडे चुनाव की गलियों में आना चाहते हैं। यानी सुशांत सिंह राजपूत का मामला सुलझा हो या ना, लेकिन गुप्तेश्वर पांडे जी का राजनीतिक गलियों में आने का रास्ता जरूर साफ हो गया है। अब ये किस पार्टी में जाएंगे, इसका अंदाजा भी बहुत से लोग लगा चुके हैं। ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि ये गुप्तेश्वर पांडे की बड़ी चालाक राजनीतिक चाल है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।